नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बेसिक मैथन जीके विद अमित में। हम डेली शाम को 7 बजे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन की अपडेट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज की हम सबसे बड़ी अपडेट की बात करें तो जो स्टाफ नर्स है पोस्ट कोड 893, उसका स्क्रीनिंग रिजल्ट निकला है। इसमें हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल 90 पोस्ट थी, और हम कैंडिडेट की बात करें तो 244 जो है इसमें कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। और इनकी जो 15 मार्क्स की डॉक्यूमेंट एवेल्यूशन है वो 29 से लेकर 31 दिसंबर के बीच में हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में होगी। 15 मार्क्स की डॉक्यूमेंट एवेल्यूशन से संबंधित अगर आपके कुछ डाउट हैं तो आप चैनल में विजिट करें, आपको जो उसके ऊपर डिटेल वीडियो देखने को मिल जाएगी, जिसमें हमने जो भी आपके डाउट होते हैं वो सभी क्वेश्चन भी उसमें शामिल किए हैं। तो ये अपडेट जो है आज हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की रही है। इसी के साथ जो फाइनल रिजल्ट रहे हैं, सबसे पहला जो रिजल्ट है वो है पोस्ट कोड A77 का। ये पेट्रोल पंप अटेंडेंस से संबंधित पोस्ट कोड है, आज इसका फाइनल रिजल्ट निकला है। नेक्स्ट हम बात करें तो एक स्क्रीनिंग रिजल्ट निकला है पोस्ट कोड 899 का, जो कि ऑक्शन रिकॉर्डर से संबंधित पोस्ट कोड है। आगे एक एडवर्टीजमेंट भी निकली है आज, जिसमें 554 पोस्टों की जो है सारी अपडेट उसमें दी है। 926 पोस्ट कोड से लेकर 557 जो है नए पोस्ट कोड इसमें ऐड हुए हैं। सभी की डिटेल जानकारी हमने जो है पहले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दी है, और कल भी उसके ऊपर एक वीडियो आएगी जिसमें हम डिटेल जो सिलेबस होगा उसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ जो फाइनल रिजल्ट आया है वो है पोस्ट कोड 846 का, जो कि जूनियर इंजीनियर सुपरवाइजरी ट्रेनी मैकेनिकल से संबंधित है। तो ये सभी अपडेट जो हैं आज हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से रही हैं। और हम पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो वहाँ से जो है कोई भी अपडेट आज नहीं आई है। इन सभी पोस्ट कोड की आपको जो PDF इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर जो उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो एडवर्टीजमेंट की वीडियो है वो भी जो आपको लिंक के थ्रू जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।